हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मौशमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं मेरा गार्डन का एक छोटी सी ओवरव्यू देने वाली हूँ। वैसे तो मेरा गार्डन मैं हर दूसरे वीडियोस में पूरा का पूरा दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा गार्डन बहुत ही छोटी सी है। तो फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी तो मैं ये दिखा रही हूँ। तो इस साइड में मैं एक 3 लेयर्ड गार्डन क्रिएट करने की कोशिश की है। तो देख ही सकते हो, छोटे छोटे पॉट एकदम सामने कुछ ऐसी है, डेविल्स बैकबोन, एस्परागस, पर्पल हार्ट, और उसके बाद ये कुछ फॉक्सटेल फर्न और एस्परागस, और इधर एकदम लेफ्ट साइड में है एक जोरा और वो दिख रहा है एक नोलिना, और उसके बाद है चैनपम और कोलियस, कोलियस के पीछे कुछ क्रोटॉन्स, और इधर लैम्पोस प्लांटर पे कुछ पोटैटो वाइन्स हैं और एक ड्रैगन प्लांट भी है, और पीछे से वो दिख रहा है कुछ बॉटल्स में कोलियस, और इधर ये हैंगिंग बास्केट्स में मैं कुछ फर्न लगा रखी है और है बेबी सनरोज। तो कुछ इस तरह मैं 3 लेयर्ड एक गार्डन क्रिएट करने की कोशिश की है। उसके साथ ये मेरी जो हैंगिंग बास्केट और लैम्प पोस्ट प्लांटर, ये सब मिला के कुछ इस तरह दिख रहा है, और इधर कुछ ड्रैगन प्लांट है और कुछ कोकोनट शेल प्लांटर पे एस्परागस है, स्पाइडर प्लांट है, और ये शेल की जो प्लांटर, कोकोनट शेल की प्लांटर, ये मैं ओलियंडर प्लांट पे हैंग करके रखी हूँ। और ओलियंडर की जो पॉट है वो बहुत ही बड़ा साइज़ की एक पॉट है, तो नीचे से खाली ना दिखे, तो हर वक्त मैं कुछ ना कुछ प्लांट्स मैं लगा रखती हूँ, जैसे कि अभी मैं पिटूनिया लगा रखी है, और नीचे कुछ बास्केट्स में मैं पिटूनियाज लगा रखी हूँ, और कुछ कोलियस भी है, और है एक फाइकस, तो ये है मेरा ओलियंडर और एक फाइकस और एक नोलिना। और ये बड़े बड़े प्लांटर्स मैं हमेशा इधर रखती हूँ, ताकि पीछे से एसी का जो बॉक्स, जो कि बहुत ही और दिखता है, वो ना दिखे। तो इस तरफ है कुछ मैरीगोल्ड, जो कि इनका वैरायटी के एक ही प्लांटर पे 3 प्लांट्स मैंने लगा रखी है, और वही प्लांटर की शॉर्टेज। तो जो सेकंड बैच मैंने खरीदी थी क्रिसेंथेमम की, वो अभी फ्लावरिंग पे है, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है अभी, और कलर भी काफ़ी अच्छा है। और इस तरफ है 2 साल्विया के प्लांट, जो बहुत खूबसूरत ब्लूमिंग पे है अभी। उसके साथ एक डेलिया भी है एक ही प्लांटर पे, लेकिन डेलिया नहीं बढ़ पाए क्योंकि धूप तो एकदम नहीं पड़ते हैं डेलिया के ऊपर। और ये जो क्रिसेंथेमम ए वाली, बहुत ही खूबसूरत दिखने में, बहुत प्यारा सा इसकी कलर है। और इस वाली प्लांटर पे 2 डेलिया प्लांट है, जो कि बर्ड से भी बन रहे हैं, कुछ ही दिनों में खिल भी जाएगी। और ये है टैंगल्ड हार्ट प्लांट, काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और सामने है कुछ मेरीगोल्ड और साथ में कुछ इरिंथिमम और डेविल्स बैकबोन की कटिंग्स एकदम सामने की रो में, और कुछ इस तरफ दिखा दूँ, ये तो मैं बहुत बार दिखा चुकी मेरे जो पहले वाले बैच की जो क्रिसेंथेमम, अभी भी बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी फ्लावरिंग हो रही है। और ये है मेरी जो पिटूनिया की जो बड़े वाले गमले, और यहाँ से बहुत सारा पिटूनिया मैं फिर से हटा दी है, और ये जो नेस्टेशियम, वो भी मैं कुछ प्लांट्स हटा दी है। उसके बाद ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो और सामने कुछ डेंथस और
जो नए नए प्लांट्स मैंने ख़रीदी है, कैलेंडुला, तो ऐसे जा रहा है मेरे जो प्लांट्स। और ये है चाइनीज़ मनी प्लांट जो काकी माँ ने मुझे दी थी, और ये भी अच्छे से ग्रो हो रही है। और ये है एस्टर जो और कुछ ही दिनों में फ्लावरिंग भी करने लगेगी। और ये है मेरा जो प्यारा प्यारा कोकोनट शेल प्लांटर जहाँ पे पिटूनिया बहुत अच्छे से खिल रही है। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इस वाले प्लांटर पे इतनी खूबसूरत दिखेगी पिटूनिया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे जो मैं वर्टिकल गार्डन बना रखी थी तो फॉक्सटेल फर्न और एस्परागस ये सब यूज़ किया है प्लास्टिक के बोतल में। और ये है कैलेडियम, और इधर है कुछ कोलियास, और भी बहुत सारे प्लांट्स जो कि साल भर रहने वाले प्लांट्स जो मेरे गार्डन में बरसों से है। तो कुछ इस तरह अभी मेरा गार्डन दिख रहा है, बहुत ही छोटी सी गार्डन है। एक बार इधर से उधर कैमरा घुमा दो तो दिख जाता है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों ने पसंद की हो। तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।